नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। पश्चिमी चंपारण के बलथर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्यनगर निवासी अनिरुद्ध यादव नामक एक युवक को डीजे बजाने को लेकर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत। मौत के बाद जब ग्रामीणों तक पहुंची तभी गुस्साए ग्रामीणों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि इस घटना में थाने पर पदस्थापित हवलदार रामचतन राम की मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों में हवलदार राजेंद्र प्रसाद सिंह, हवलदार चंदन कुमार, सिपाही पप्पू कुमार शर्मा शामिल हैं। 3 घायलों को बेतिया के GMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन 3 का उपचार जारी है। बता दें कि थाने पर हमला होने के कारण कई गाड़ियां चलकर राख हो गई हैं। वहीं थाना प्रभारी सहित सभी पुलिसकर्मी थाना छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। घटनास्थल पर गुस्साए ग्रामीणों को समझाने पहुंचे सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता, जहां पुलिस ने भी उनके साथ की लाठी बाजी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं जिला पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा तकरीबन 2000 फोर्स के साथ पहुंचे। पहुंचकर इलाके का जायजा लिया और मामले को शांत कराया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस द्वारा युवक को बंधक बनाकर पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जबकि बेतिया पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा ने संवाददाता को बताया कि थाना परिसर में मधुमक्खियों के काटने से युवक की मौत हुई है। फिलहाल बेतिया पुलिस कप्तान खुद इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। इस घटना में 2 लोगों की मौत होने के कारण पूरे जिले में फैली सनसनी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।